तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि जियो की कॉल हिस्ट्री कैसे निकालें और SMS डिटेल कैसे निकालें। आखिरी 6 महीने तक की डिटेल निकाल सकते हैं अगर आपके पास जियो की सिम है। तो सबसे पहले आपको माई जियो की ऐप खोलनी है, ये देखिए, और इंस्टॉल नहीं तो इंस्टॉल कर लेनी है। तो जैसे ही आपने ऐप खोली, उसके बाद जो है आपको लेफ्ट साइड में ये मेनू बार दिख रहा होगा, ये देखिए। तो आपको इस मेनू बार पे क्लिक करना है। ये क्लिक किया और जैसे ही क्लिक किया तो आप देखिए इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं इसमें। तो आपको जो है माई स्टेटमेंट में जाना है। जैसे माई स्टेटमेंट में आप क्लिक करोगे तो ये देखिए ये इस टाइप से खुलेगा। तो इसमें ऊपर दिया है कब से और आखिरी में दिया है मतलब कब तक, एंडिंग स्टार्टिंग और एंडिंग मतलब कब से कब तक चाहिए। तो ये दोस्तों थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अब स्टेटमेंट कैन बी जनरेटेड फॉर लास्ट 180 डेज। इसका मतलब है कि 180 दिन पहले मतलब 6 महीने तक की डिटेल आप निकाल सकते हो, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम 30 डेज। मेरा मतलब है कि एक बार में आप 1 महीने तक की डिटेल निकाल सकते हो। तो मान लीजिए मैं नवंबर 2018 में मैंने कहीं फ़ोन किया और मुझे जानना है मैंने कहाँ पर मतलब फ़ोन किया था, वो नंबर में से मिस हो गया है। तो मैं जैसे नवंबर की डिटेल निकालता हूँ, नवंबर 2 से निकालता हूँ, 2 नवंबर से लेके 2 नवंबर 2018 से लेके मैं निकालता हूँ, ये नवंबर ही मैं ही 29 नवंबर, मान लीजिए 30 नवंबर तक की निकाल लेता हूँ, 30 नवंबर। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से कुछ डालना है आपको। मतलब ये एक समय में सिर्फ 1 महीने की ही डिटेल बताएगा। ऐसा करके आप पिछले 6 महीने तक की डिटेल निकाल सकते हो। तो अब व्यू में कर देना है आपको, इधर व्यू में क्लिक कर देना है। ये देखिए ये अपडेटिंग हो रहा है, मतलब ये फेच कर रहा है डिटेल को। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा सा समय लग जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों जियो में, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है और कोई भी डिटेल निकाल सकता है। मैं भी दोस्तों ऐसा मैं भी एक बार मैंने कहीं फ़ोन किया और मैं भूल गया, उसका नंबर सेव नहीं किया था, तो मैंने इसी तरीके से निकाला था। तो इधर देखिए बहुत सारी चीज़ें आ गई, माई बिल आ गया, प्लान डिटेल्स आ गया, यूसेज चार्जेस आ गया, समरी आ गया। तो इधर आपको ये बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो इधर आप हमको यूसेज चार्जेस में जाना है, और इधर देखिए डेटा वॉइस SMS दिया है। इन तीनों में से कोई भी चीज़ कि अगर आपको जानकारी चाहिए तो मिल सकती है। तो इधर हम वॉइस के बारे में देखते हैं। इधर तो वॉइस जो है इंपॉर्टेंट है, ये वॉइस आ गया। और इधर आपको क्लिक हेयर करना है ना, टू नो मोर अबाउट वॉइस यूसेज। तो आपको क्लिक हेयर जैसे करोगे, ये देखिए ये जो मैंने मतलब समय डाला था, मेरा मतलब टाइम पीरियड जो था 2 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक की पूरी डिटेल आ गई। ये देखिए ये 2 नवंबर नीचे और ऊपर देखिए 30 नंबर की डिटेल आ गई है, कहाँ कहाँ मैंने फ़ोन किया। और इसकी जो है आपको और भी डिटेल जाननी, जैसे ऊपर वाले नंबर है तो ये जो साइड में दिया है, इधर आप क्लिक करोगे तो ये पूरा बता देगा। देखिए आपने कितनी देर बात करी, 189 सेकेंड बात करी। और दोस्तों जियो तो फ्री है, फ्री यूज़ है जो, और बिल्ड यूज़ है 0 0, क्योंकि फ्री कॉलिंग है इसमें। तो इस तरीके से आप जो है जियो, अगर आपके जियो के सिम है तो आखिरी 6 महीने तक की डिटेल आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट के द्वारा जवाब दूंगा आपको। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, और इस टाइप से अगर आप और वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप देखते रहिए, बने रहिए आपके अपने चैनल में टेक वीडियो।